अच्छा हमने मेन्यूज के बारे में सीखा कि मेन्यूज क्यों जरूरी हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अ मेन्यू इज़ सपोज टू हेल्प विद नाविगेशन अ मेन्यू इज़ सपोज टू हेल्प ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्टेंट और मेन्यू से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीजें हैं आपने और भी सीखनी है आपने मेन्यू को डिलीट करना भी सीखना है आपने मेन्यू की लोकेशन मैनेज करना भी सीखना है बट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ओनली एंड ओनली अबाउट एडिंग अन्यू जैसा कि आप देख रहे हैं यू कैंड गो वेरी डीप वाई बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न जब आप डीप जाके सीखेंगे एक एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपनी यू विल पर सक्सेसफुल अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर और अ सक्सेसफुल स्मार्ट वर्कर और हम चाहते हैं आप कामयाब हों हम चाहते हैं आप इसलिए कामयाब हों ताकि आपके इर्द गिर्द लोग कामयाब हों और जब आप मिल के कामयाब होंगे तब पाकिस्तान कामयाब होगा सो so नाओ लेट्स डू अ क्विक क्या कहा था मैंने व्हाट आर मेन्यूज मेन्यूज आर लिंक्स ऑन टॉप इट्स द फर्स्ट थिंग दैट पीपल सी व्हेन दे ओपन योर वेबसाइट तो द क्वेश्चन इज के हाउ टू ऐड मेन्यूज अभी तक मैंने आपको बताया कि मेन्यूज को आप कैसे अपडेट करेंगे आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड में वहां पे अपीयरेंस के नीचे मेन्यूज का जो सेक्शन है यू विल गो एंड एक्सेस दैट सेक्शन और वहां से आप अपना पर्टिकुलर मेन्यू सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने राइट हैंड साइड पे यू विल सी दीज ऑल ऑप्शन दीज हॉरिजोंटल ब्लॉक्स विच आर लिंक्स एंड यू हैव ऑप्शन टू चेंज डिफरेंट फीचर्स ऑफ द लिंक्स आप सी एस एस क्लास ऐड कर सकते हैं आप उसमें टाइटल एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं आप नेविगेशन लेबल ऐड कर सकते हैं एंड बंच ऑफ अदर थिंग्स बट देन यू ऑलरेडी लर्न की आप चीजों को एडिट कैसे कर सकते हैं वट अबाउट एडिंग न्यूज स्टफ सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वैसे ही दोबारा उसी लिंक मेन्यू पे जाएंगे और वहां से आप चीजों को एड कर सकेंगे सो वेन एवर यू ओपन दैट मेन्यू सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ बटनस नजर आ रहे होंगे दोज बटन्स आर विल बी यूजिंग टू एड योर मेन्यू लिंक्स बाई डिफॉल्टेजेस कस्टम लिंक्स एंड कैटेगरी पैनल वहां पर आपको ये कुछ पैनल है जो नजर आ रहे हैं जिनको आप यूज करके अपने को कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट टैग्स या पोस्ट फॉर्मेट्स को एज मेन्यू आइटम्स एड करना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यू वु हैव टू एबल देम ये जहन में रखें कि वर्ड में ये जो स्क्रीन ऑप्शन की फीचर है ये काफ़ी बिगिनर्स मिस कर देते हैं उसकी वजह ये है कि ये स्क्रीन ऑप्शन टॉप पे छोटा सा नजर आ रही होती हैं तो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स दे मिस दी स्क्रीन ऑप्शंस बट इट्स वेरी क्रूशल फॉर यू एज समन ट्राइंग टू लर्न वर्ड प्रेस कि आप किसी भी फीचर को एक्सेस करने से पहले जाके उसकी स्क्रीन ऑप्शंस को प्रॉपरली स्टडी जरूर करें खैर कमिंग बैक टू हाउ टू एड मेन्यूज टू एड ए न्यू पेज एजटम क्लिक दैक बॉक्स इन फ्रंट ऑफ दैट पेज नेक्स्ट ऑफ दो तरह जैसी आप ये करेंगे तो राइट पे ऑटोमेटिकली वो मेन्यू नमूदार हो जाए एकदम से पॉपअप की तरह आपको शो होगा सो न्यू मेन्यू आइटम्स विल अपेंड टू द बॉटम ऑफ द करंट लिस्ट ऑफ मेन्यू आइटम्स अगर आप कन्फ्यूज़ हों कि मैंने तो लिंक ऐड किया वो मुझे नज़र नहीं आ रहा वो इसलिए बिकॉज दैट हैज बीन एडेड टू द बॉटम ऑफ दोज लिंक ब्लॉक्स नॉट ऑन द टॉप सो इसका थोड़ा सा जहन ख्याल में रखें और जो मेन्यू का नाम है दैट विल डिफ़ॉल्ट टू नेम ऑफ द पेज बट थैंक्स टू नेविगेशन लेबल्स यू कैन एक्चुअली चेंज द नेम सो अगर आपने नाम इसका चेंज करना आप क्या करेंगे आप उसकी मेन्यू का जो साथ एक एरो है उस पे क्लिक करेंगे वहां पे आपको जो नेविगेशन लेबल नजर आएगा यू विल चेंज द नेम ऑफ दैट पेज ऑन दैट नेविगेशन लेबल एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एडिट द नेम ऑफ द पेज जिस तरह कि आपको यहाँ पे एक स्क्रीन uh, में नजर भी आ रहा है टू चेंज द ऑर्डर अगेन इट्स वेरी सिंपल आप uh, कर्सर को अपने मूव करेंगे उस लिंक पे लेके जाएंगे एंड यू विल चेंज द पोजिशन ऑफ योर लिंक यूजिंग ड्रैगन ड्रॉप ड्रैगन ड्रॉप करके बड़े आराम तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं लोके, जो अपने मेन्यू की लोकेशन को एंड ड्रॉप कर सकते हैं जब भी आप एंड ड्रॉप करेंगे तो एक फोर पॉइंटेड एरो आपको अपने कर्सर पे नज़र आएगा सो दैट्स एन इंडिकेशन के इट्स वर्किंग एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ योर मेन्यूज़ कनफिगर्ड विद इन योर थीम इट इज पॉसिबल टू क्रिएट मल्टी लेवल हरारकी फॉर ड्रॉप डाउन सो वी विल एक्चुअली टीच यू दिस कि आप मल्टी लेवल हरारकी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप कस्टम लिंक एक ऐड करना चाहेंगे जो कि पहले से आपकी डायरेक्टरी में नहीं है वो भी आप लेफ्ट वाले पैनल को यूज करते हुए एक कस्टम लिंक भी ऐड कर सकते हैं एंड एज वी टोल्ड यू कि जब आप सारा कर लें तो यू कैन क्लिक ऑन सेव मेन्यू एज यू कैन सी हेयर एंड यू कैन अपडेट दिस मेन्यू फॉर योर विजिटर्स जैसे ही आप सेव मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो आपके व्यूअर्स हैं जो आपकी साइट के कंज्यूमर्स हैं वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे आना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो लोग आपके मेन्यू को देख सकेंगे सो जिससे मैंने आपको कहा एम ई एन यू मेन्यू दिस इज़ अ फीचर ऑफ़ वर्ल्ड प्रेस डेट वी आर एक्सप्लोरिंग सो हम इन मेन्यूज़ को ऐड करने के लिए वी विल गो टू आर डैशबोर्ड साइट है आपको पता है मुझे भी पता है लेकिन एक्सेस सिर्फ मेरे पास है इट्स कॉल्ड डी जी स्किल साध हामिद एट डी स्किल साध हामिद डॉट जीरो 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 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम एंड ओपन दिस हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड एक्सेस आ चुकी है सो जैसे ही मैं अपना डैशबोर्ड खोलूंगा दर इज द यूजल स्टफ मुझे अपनी डांस कर सकता हूँ मैं पोस्ट को कॉमेंट्स को बाकी भी कुछ इस तरह की चीजें बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एडिंग न्यू मेन्यूज तो मैं क्या करूँ आई वुड गो टू अपीरेंस एंड आई वुड गो टू मेन्यूज और वहाँ जाके ऑटोमेटिकली मेरा टॉप मेन्यू जो कि मेरा प्राइमरी मेन्यू है वो सिलेक्ट हो चुका है सो नाउ आई लुक एट दिस सेक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो लेफ्ट पे सेक्शन है उस पर लिखा आ रहा है पोस्ट पेजेस कस्टम लिंक्स कैटेगरी यूजिंग दिस होल सेक्शन आई कैन एड न्यू मेन्यूज चलिए आए मिल के एक साथ नए मेन्यूज एड करते हैं सो लेट मी क्लिक ऑन वन ऑफ दीज मेन्यूज जो कि राइट साइड पर नहीं है सो so, सरप्राइज का पेज मुझे नजर आ रहा है आई क्लिक एंड आई क्लिक ऑन एड टू मेन्यू और आप देखेंगे कि एकदम से वो राइट हैंड साइड पे पॉप अप करके सामने आ गया सो दिस इज शोइंग मी कि ये पेज अब मेन्यू पे ऐड हो गया बट याद रखिएगा जब तक आप सेव मेन्यू का बटन क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप वो मेन्यू को फ्रंट पेज पे नहीं दिखा सकते फॉर योर व्यूअर्स, योर कंज्यूमर्स एंड पीपल हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट्स टू लुक एट यू योर कॉन्टेंट एंड टू इंटरेक्ट विद यू सो हम ये करते हैं कि पहले हम इसकी लोकेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं जिस तरह मुझे लग रहा है कि सरप्राइज़ का पेज होना चाहिए कॉन्टेक्ट के बाद तो आई कैन चेंज इट्स लोकेशन आई कैन ऐड एंड अदर कैटेगरी मुझे कैटेगरी एक अच्छी लग रही है मैं ऐड मेन्यूज को कर दूंगा और मैं सेव पे क्लिक करूंगा जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा और मैं अपनी वेबसाइट को सामने से जाके देखूंगा तो आई कैन सी कि यहाँ पे अब ज़्यादा

पेरेंट मेन्यू सो मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करके आई गो टू माई मेन वेबसाइट एंड नाउ यूल सी मैजिकली मेन्यूज और उसके ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गए सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड प्रेस आपको एक चीज भी कोड करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली मेन्यूज विल बी प्लेस्ड एंड क्रिएटेड फॉर यू एज लॉन्ग एज यू नो वट टू डू एंड हाउ टू मैनेज योअर वर्ड प्रेस वेबसाइट एक और चीज मैं आपको बताना हूं और वो ये चीज है कि आप कस्टम लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं सो so मैं एक कस्टम लिंक ऐड करूंगा जो कि आपका भी फेवरेट है मेरा भी फेवरेट है हम सबका फेवरेट है क्या है वो डीजी स्किल्स और मैं इसका लिंक टेस्ट रखूंगा डीजी स्किल्स एंड मैं इसको मेन्यू में ऐड कर दूंगा एंड आई मूव इट आप आई क्लिक ऑन सेव जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि अ न्यू मेन्यू हैज बिन एडिड विच इज कॉल्ड डी जी स्किल्स जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इट विल गो टू द डीजी स्किल्स डॉट पी के वेबसाइट द वेबसाइट विच हैज इनेबल्ड मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज टू लर्न द वेबसाइट दैट हैज इनेबल्ड मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज टू स्टेप into the future so this is wordpress menus for you in the next few lessons we'll be teaching you how to delete them and how to place them in different locations uh, because this is a journey in which all of us need to move forward not alone but together